नमस्कार दोस्तों, SN इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम थर्ड सेमेस्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो ये वीडियो जो स्टूडेंट ITI सेकेंड ईयर के हैं और उनका अभी रिसेंटली CBT एग्ज़ाम देना है, तो वो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उनके CBT एग्ज़ाम में इस असाइनमेंट से 100% क्वेश्चन हूबहू मिलते हैं। तो वो स्टूडेंट इसके प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे और समझें। और साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम 210 तक क्वेश्चन का 211 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। इस वीडियो में हम 212 से क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले कि यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़, अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो YouTube चैनल पर जाएं और वहां से प्लेलिस्ट से इसको देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है 212 नंबर, वो है एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, अर्थात सिंगल फेज इंडक्शन मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन लेंज के नियम पे काम करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी जो ऑप्शन है वो जूल का नियम, जूल का नियम जो होता है वो हीट से संबंधित होता है, और एच इक्वल टू I² RT। सी जो है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, तो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम जो होता है वो सेल और बैटरी पर लगाया जाता है। और डी जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जो होता है वो जनरेटर और अल्टरनेटर पर लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 213 नंबर, 213 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। ये आप चित्र में देख रहे हैं कि ये कौन सी सिंगल फेज मोटर है। यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट है, ये जो है फ्यूज है, और ये जो वाइंडिंग है ये रनिंग वाइंडिंग है। क्यों रनिंग वाइंडिंग है, क्योंकि ये सप्लाई के समांतर में कनेक्ट है। और ये जो वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, क्योंकि ये सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट है। और ये जो है कैपेसिटर है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा है, इस वजह से ये जो कैपेसिटर है ये अस्थाई रूप से लगा हुआ है, इसलिए इस मोटर का जो नाम होगा अस्थाई कैपेसिटर मोटर होगा। ऑप्शन जो ए है वो अस्थाई कैपेसिटर मोटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 नंबर, स्प्लिट फेज चरण मोटर का सिद्धांत क्या होता है। स्प्लिट फेज मोटर का जो सिद्धांत होता है वो लेंज के नियम पर ही आधारित होती है। तो ऑप्शन जो ए है लेंज का नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेंज का नियम। फिर ये जूल है, जूल का नियम, तो जूल का नियम हीट से संबंधित है, यानी H = I² RT। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम सेल एंड बैटरी से हो जाएगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जो है वो जनरेटर और अल्टरनेटर के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 नंबर, एकल चरण मोटर का सिद्धांत किसको निर्दिष्ट कर रहा है। ये आप फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर को देख करके बताना है कि ये सिंगल फेज में किस टाइप की मोटर है, इसका नाम क्या है। ये सप्लाई है, सप्लाई के पैरेलल में ये रनिंग बाइंडिंग हो जाएगी, और सप्लाई के सीरीज में ये स्टार्टिंग बाइंडिंग हो जाएगी। इसमें जो कैपेसिटर है ये C1, दो कैपेसिटर लगाया गया है, C1 और C2, और C2 के सीरीज में ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया गया है। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता है कि ये मोटर जो है 75 से 80% यदि गति प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे C2 कैपेसिटर इस वाइंडिंग से डिसकनेक्ट हो जाएगा और
सीवन से लगातार मोटर रनिंग बनाए हुए चलती रहेगी। तो इस मोटर का जो नाम हुआ, स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर रहा तो कैपेसिटर स्टार्ट, और रनिंग में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो जाएगी। ऑप्शन जो ए है वो यूनिवर्सल मोटर नहीं होगा, बी जो है अस्थाई संधारित्र मोटर ये भी नहीं होगा, सी जो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन ये भी नहीं होगा, डी जो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर। 216 नंबर जो क्वेश्चन है वो एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है, यानी कम्यूटेटर मोटर जो होती है वो किस मोटर के अंतर्गत आती है। तो कम्यूटेटर मोटर जो है वो रिपल्सन मोटर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन जो ए है स्टेपर मोटर नहीं, बी जो है रिपल्सन मोटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा रिपल्सन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 217 नंबर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला जो है स्प्लिट फेज मेथड, दूसरा जो है कैपेसिटर मेथड और तीसरा जो है शेडिंग रिंग मेथड। ऑप्शन जो ए है वो स्प्लिट फेज मेथड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 नंबर कि एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। ये जो है फिगर देख करके बताना है कि ये सिंगल फेज की कौन सी मोटर है। ये सप्लाई हो जाएगी और सप्लाई में फेज के ये सीरीज में फ्यूज हो जाएगा, और सप्लाई के पैलर में ये रनिंग बाइंडिंग हो जाएगी और सीरीज में स्टार्टिंग बाइंडिंग हो जाएगी। ये कैपेसिटर हो जाएगा और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो जाएगा। तो ये जो मोटर होगी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होगी। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है जो 75-80% यदि गति मोटर प्राप्त कर लेती है तो उस कंडीशन में ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाएगा, जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग डिसकनेक्ट हो जाएगी और मोटर लगातार रनिंग वाइंडिंग के साथ चलती रहेगी। तो ऑप्शन जो ए है वो अस्थाई संधारित्र मोटर नहीं होगा, बी जो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन ये भी नहीं होगा, सी जो है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन ये भी नहीं होगा, डी जो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी बी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 219 नंबर, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रीय स्विच यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का गति नियंत्रण में संधारित्र लगाने का क्या उद्देश्य है। ये जो कैपेसिटर लगा है इसका उद्देश्य क्या है। इस कैपेसिटर का उपयोग जो होता है वह कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बना है इस पर जो स्पार्किंग उत्पन्न होगी उस स्पार्किंग को कम करने का काम जो होता है वो इस कैपेसिटर का काम होता है। ऑप्शन जो ए है निरंतर गति बनाए रखें, गलत हो जाएगा। बी जो है पावर फैक्टर में सुधार के लिए ये भी नहीं होगा, सी जो है ओवरलोड से बचाना ये भी नहीं होगा, और डी जो है संपर्कों पर स्पार्किंग कम करे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 220 नंबर, समरसिबल पंप को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है क्योंकि UPPCL की अभी जो वैकेंसी गई है 608 पोस्ट, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है समरसिबल पंप में रिवाइंडिंग के लिए कौन से तार का उपयोग किया जाता है। तो रिवाइंडिंग में समरसिबल पंप में PVC कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो PVC कॉपर्ड वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा PVC कवर्ड कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 221 नंबर, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है।
तो कम स्टार्टिंग टार्क में सिंगल फेज मशीन में पूछ रहा है। तो सिंगल फेज मशीन में यदि कोई मशीन कैपेसिटर के साथ स्टार्ट हो रही है तो उसका स्टार्टिंग टार्क हाई होगा, और यदि कोई मशीन रेजिस्टेंस के साथ स्टार्ट हो रही है तो उसका स्टार्टिंग टार्क लो होगा। तो ऑप्शन जो ए है, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन, नहीं, इसका स्टार्टिंग टार्क जो होगा वो बी जो है वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका तो हाई होगा क्योंकि ये कैपेसिटर के साथ ही स्टार्ट हो रही है। सी जो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, ये भी नहीं होगी क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग टार्क हाई होगा। डी जो है प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि कम स्टार्टिंग टार्क पूछा है और जो प्रतिरोध के साथ स्टार्ट होगी उसका स्टार्टिंग टार्क कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहां डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 222 नंबर, एकल चरण मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिसकनेक्ट करना होता है जब मोटर 70 से 75 80% अपनी सामान्य गति का प्राप्त कर लेती है उस टाइम। जैसे यहाँ हम फेज दिए, यहाँ न्यूट्रल दिए, यहाँ फ्यूज जो है फेज पे लगता है और इसके समांतर में ये रनिंग वाइंडिंग लगा दिए और इसके ये सीरीज में ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगी, ये कैपेसिटर हो जाएगा और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो जाएगा, ये वाइंडिंग हो जाएगी। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का पूछा है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा ये मोटर 75% से 80% जब गति प्राप्त कर लेगी उस समय ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाएगा, और जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो वो डिसकनेक्ट हो जाएगी और मोटर अब लगातार रनिंग वाइंडिंग के साथ चलती रहेगी, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम हुआ स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिसकनेक्ट करना। तो ऑप्शन जो ए है वो निरंतर गति बनाए रखे, नहीं, बी जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग को विसंयोजित ब्रेक करना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223 नंबर, सार्वभौमिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर का यूज कहाँ किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का यूज फूड मिक्सचर में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी जो ऑप्शन है टेली प्रिंटर, टेली प्रिंटर का प्रयोग स्टेपर मोटर में किया जाता है, और डी जो है कंप्रेसर और ए जो है जेट पंप। तो कंप्रेसर और जेट पंप में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 224 नंबर, बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल मोटर फिट बैठती है। बाउंड रोटर के साथ, बाउंड रोटर के साथ जो मोटर सिंगल फेज में फिट बैठेगी वो रिपल्सन मोटर होगी। तो ऑप्शन जो ए है वो रिपल्सन मोटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 225 नंबर, इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो है फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, फेज के सीरीज में फ्यूज हो जाएगा, ये फ्यूज हम लगा दिए, इसके सीरीज में लिंक होता है, ये हम लिंक लगा दिए। अब ये सप्लाई है तो सप्लाई के समांतर में रनिंग बाइंडिंग हो जाएगी और सप्लाई के सीरीज में स्टार्टिंग बाइंडिंग हो जाएगी, और ये कैपेसिटर हो जाएगा और उसके बाद एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लग जाएगा और ये बाइंडिंग कनेक्ट हो जाएगी। ये हुई, इस बाइंडिंग को रनिंग कहते हैं और इस बाइंडिंग को स्टार्टिंग कहते हैं। तो ये रनिंग बाइंडिंग है तो इसको हम U1 U2 से प्रेजेंट करेंगे। इसमें कंडीशन ये होता है कि इसमें मोटा तार प्रयोग किया जाएगा, मोटा तार प्रयोग किया जाएगा,
और कम टर्न होंगे, जिस वजह से इसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा और इंडक्टेंस हाई हो जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होगी वो पतले तार की होगी और ज़्यादा टर्न होंगे, इस कारण से ये वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हाई हो जाएगा और इंडक्टेंस जो हो जाएगा लो हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें क्या कि रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये मोटा तार प्रयोग कर रहा है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि इसमें पतले तार के अधिक टर्न होंगे। यानी रनिंग वाइंडिंग मोटा तार कम टर्न और स्टार्टिंग वाइंडिंग का पतला तार अधिक टर्न, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा और इसका रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। यानी रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन जो है दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे, नहीं, बी जो है रनिंग वाइंडिंग का कम होगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट जब होगा तो उसमें हम 226 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।